मेरा नाम अदिति है. Hello. और मैं Essentially Happy Marketing की फाउंडर हूँ. हमने लॉन्च किया है इंडिया का पहला प्री टॉयलेट स्प्रे. प्री टॉयलेट स्प्रे टॉयलेट करने से पहले इस्तेमाल किया जाता है. जैसे अभी आप टॉयलेट करने के बाद एयर फ्रेशनर्स एरोसोल्स इस्तेमाल करते हैं इस उम्मीद से कि जो बदबू फैल गई है वो मिट जाएगी, लेकिन शायद ऐसा होता नहीं है. लेकिन फिर भी हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बदबूदार टॉयलेट छोड़ना एम्बैरेसिंग होता है और पकड़े जाना डेवेस्टेटिंग होता है. इंट्रोड्यूसिंग पूडे कलोन. इसमें है 100% प्योर एसेंशियल ऑयल. पूडे कलोन को टॉयलेट करने से पहले आप टॉयलेट बोल के पानी में अच्छे से 5-6 बार स्प्रे कर दीजिए. इसके एसेंशियल ऑयल्स पानी की तह पर एक परत बना देते हैं. ये परत जो बदबूदार गैसेस होते हैं उनको नीचे ही लॉक कर देता है, हवा में फैलने नहीं देता. आपका खुद का अनुभव तबेले से लेके बगीचे तक 5-6 स्प्रेज में और आपको मिलता है सुगंधित टॉयलेट छोड़ने का कॉन्फिडेंस. पूडे कलोन सिर्फ घरों की टॉयलेट की शान नहीं है, ये रेस्टोरेंट्स, कैफेज, मॉल्स, कोवर्किंग स्पेसेस, को लिविंग स्पेसेस में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए. ट्रैवल में भी जरूरी है, हनीमूनर्स के लिए तो मस्त है. हमारे करंटली 5 वेरिएंट्स हैं. हमारा फ्लोरल वेरिएंट है पूप्सी डेजी, हमारा मिंटी वेरिएंट है पूप्सा लॉट, मास्कपू है हमारा वुडी वेरिएंट, हमारा पाइन वेरिएंट है पूप एसेंशियल, और हमारा सिट्रस है पूपराजी. लव द नेम्स. पूडे कलोन को विश्व का सबसे ज्यादा प्री टॉयलेट स्प्रे किए जाने वाला प्री टॉयलेट स्प्रे बनाने के लिए मैं पहले तो चाहती हूँ आपकी मेंटोरशिप एंड 75 लाख फॉर 5% ऑफ माय कंपनी शेयर. तो क्या आप तैयार है पूडे कलोन को नंबर 2 की प्रॉब्लम का नंबर 1 सॉल्यूशन बनाने के लिए? अमेजिंग. Great pitch. Very good presentation, Aditi. Product में बाद में आएंगे, आप पहले बताइए ये मुंबई दुबई की जर्नी में आपको ये टॉयलेट सीट कहाँ मिल गई? ये प्रोडक्ट का मैंने अनुभव किया था यूरोप में. मैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में हमेशा काम किया है, तो हमेशा ऐसा मन था कि मैं ब्रांड अपना लॉन्च करूं. और जब ये प्रोडक्ट का अनुभव हुआ तो मुझे लगा ये इंडिया को तो जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा हेविली टॉयलेट शेयरिंग मार्केट है. कब शुरू किया आपने ये काम? ये लॉन्च हुआ है फरवरी ऑफ 2021. अभी बस हाल ही में किया है आपने? हाँ जी. अरे वाह, ये नाम वगैरह कहाँ से आते हैं? ये आपकी सोच है कि कोई साथ में आपके लग के काम कर रहा है? मैं और मेरी बेटी कहते हैं मेंस रेंज शुड बी सुपरमैन. अरे वाह, क्या उम्र है आपकी बेटी? She's 12. तो रोज सुबह हमें जाने से पहले हमें पहले ये करना पड़ेगा ऑपरेशन और फिर जाएंगे, ऐसा होता है? हाँ जी, स्पेशली अगर आप टॉयलेट शेयर कर रहे हैं या आप होटल में और टॉयलेट छोटा है, वेंटिलेशन नहीं है और घरों में भी आपके गेस्ट आते हैं उनको यूज करना होता है, तो सारे कंडीशंस में इस्तेमाल होता है. और रात को बिरयानी खाई तो फिर तो जरूर. बिरयानी खाई, इंडियन फूड वैसे भी बहुत फ्लेवरफुल होता है लेकिन बहुत एरोमेटिक्स यूज होते हैं और वो सच है. मेरे को ये वाला प्रोडक्ट मैंने यूएस में देखा हुआ है. हाँ जी. मेरे को लगा अच्छा प्रोडक्ट है. हाँ जी. प्रॉब्लम है ना इसमें कि जैसे अमन ने बोला इसको हर बार आपको यूज करना पड़ेगा, तो मैं उस टाइम भी मेरे दिमाग में ये आया था अगर आप इसका एक वर्जन निकालो जो कि WC में ही लग जाए और फ्लश के साथ ही आके लेयर बना ले तो isn't that a better product as against मैं हर बार इसको स्प्रे करूं? हाँ जी. तो इसमें बिहेवियरल चेंज चाहिए. तो इसमें एक स्प्रेइंग मैकेनिज्म की जरूरत होती है वो लेयर बनाने के लिए. इसका एक सोल्यूशन है जो मेरा नेक्स्ट लेवल का सोल्यूशन था कि एक बॉक्स बनता है जो साइड में लग जाता है वो सेंसर से होता है. तो अगर आप यूरिनेट कर रहे हैं आपको सेंसर पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो आप सेंसर पे हाथ लगाइए, स्प्रे हो जाता है. तो एक मैकेनिक वैसा भी है लेकिन वो लेवल 2 है. आपने जब ये आइडिया आने के बाद एग्जीक्यूशन किसी कैटेगरी में घुस के करना बहुत बड़ी बात होती है. मतलब किसी भी नई चीज को ढूंढना, सप्लायर ढूंढना, ये करना, वो करना. तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. थैंक यू. पर ये ना बिजनेस नहीं है मेरे व्यू से. एक लेवल के बाद ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, थोड़ा गिमिकी होगा. तो मैं इस बिजनेस से आउट हूं. ये
जो होता है ना कि यूएस में चल रहा है इंडिया में चल जाएगा, वो अक्सर काम नहीं करता है क्योंकि इंडियन कंज्यूमर की सोच से बिजनेस को देखना पड़ता है एंड प्रोडक्ट्स यूनिक बनते हैं जो बहुत बड़े बनते हैं. इसलिए इस पॉइंट पे तो मैं इससे बाहर हूँ. आपके आंकड़े क्या है, सेल्स कितनी है, कहां से होती है? अगर मैं कोरोना के 3 महीने निकालूं तो अभी तक हमने 4.5 लाख की सेल्स करी है. पिछले महीने कितनी किया आपने? एवरेज 75,000 तक का चल रहा है. और कहां बेचती हैं आप? अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, ट्रेल पे. ट्रेल में तो मैं इन्वेस्टर हूँ. हाँ जी, ट्रेल में पता चल जाए. ग्रोथ क्या है आपकी मंथ ऑन मंथ? मंथ ऑन मंथ एक्चुअली अलग अलग चीजें अभी ट्राई कर रहे हैं तो कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, तो वो थोड़ा भी मॉनिटर करना है. और वो कितने टाइम लास्ट करता है? एक बॉटल 400 स्पेस है, सो 80 टाइम्स यूसेज की है, तो फैमिली ऑफ 3 का 1 महीना निकल जाता है. एक महीना 500 रुपए, 550, इससे आधे में तो फोन का कनेक्शन मिल जाता है. लोग ले रहे हैं, आपको सरप्राइजिंग होगा, मुझे भी लगा कि मेट्रो में चलेगा ज्यादा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो टियर 1 टियर 2 टाउन से भी इक्वल डिमांड है और रिपीट परचेस वहां से आती है. ठीक है, ठीक है, थैंक यू. मैं कुछ सोचता हूँ. चलो, मैंने भी डिसीजन बना लिया है. मैं भी बाहर हूँ और आपको परस्यू करना चाहिए, बट मुझे इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है आज कैटेगरी. मेरा डिसीजन भी है कि मैं इससे बाहर हूँ. अगर आप इसका कुछ और वर्जन निकालते तो मैं इंटरेस्टेड होता, जो ऑटोमेटेड वाला वर्जन था, बट नॉट विद दिस, सो आई एम आउट. व्हाइल आई एम इंटरेस्टेड, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी है और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको. हाँ, थोड़ा और प्रूव करना पड़ेगा, फिर फंडिंग के लिए जाना पड़ेगा. तो इसलिए मैं आज आउट हूँ, बट आई विश यू द बेस्ट. आई थिंक यू विल डू वेल. थैंक यू.